सीरीज ऑफ मैट्रिक स्पेस के सेकेंड वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो के पहले मैट्रिक स्पेस पर मैं एक वीडियो अपलोड कर चुका हूं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से उसको देख सकते हैं या ऊपर आ रहे आई बटन को भी प्रेस करके मैट्रिक स्पेस के प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। तो हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल MA क्लासेज, मैं हूँ सुनील कुमार। इस चैनल पर मैं मैथमेटिक्स का ही वीडियो लेकर के आता हूँ। आप यदि मेरे चैनल में पहली बार आए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को भी ऑन कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आप तक पहुँचता रहे। वीडियो यदि पसंद आता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट करके अपना फीडबैक अवश्य दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। मेरे चैनल के वीडियो देखने के लिए आप MA क्लासेज को क्लिक करें। MA क्लासेज को क्लिक करने के साथ होम पेज खुल जाएगा। होम पेज में आप प्लेलिस्ट में जाएँ। प्लेलिस्ट में आपको डिफरेंट टॉपिक्स का वीडियोज मिल जाएगा। आप जिस टॉपिक के वीडियो देखना चाहते हैं उस पर क्लिक करें। जैसे आप सिंप्लेक्स मेथड का वीडियो देखना चाहते हैं उस पर क्लिक करें। अब सिंप्लेक्स मेथड पर जो भी वीडियो यहाँ आपके सामने आ जाएगा आप उसको देख सकते हैं। देखो, प्रीवियस क्लास में मैट्रिक स्पेस का डिफिनेशन बता चुके हैं और कुछ एग्जाम्पल भी बताएँ। थोड़ा सा हम लोग डिफिनेशन आज फिर से हम लोग देखते हैं, उसके बाद कुछ और क्वेश्चन को देखेंगे जो एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रूफ करना रहता है कि मैट्रिक स्पेस है या नहीं। तो सबसे पहले हम लोग डिफिनेशन को देखते हैं थोड़ा सा, कि एक नॉन एम्प्टी सेट लेते हैं x इज नॉन एम्प्टी सेट और x क्रॉस x से R में एक फंक्शन डिफाइंड करते हैं, उस फंक्शन को हम लोग d कहते हैं। d इज ए फंक्शन फ्रॉम x क्रॉस x, ये x और x के कार्टिजन प्रोडक्ट से R में एक फंक्शन डिफाइंड करते हैं। अगर ये फंक्शन चार कंडीशन को सेटिस्फाई करे तब इस फंक्शन को हम लोग मैट्रिक कहते हैं। चार कंडीशन क्या है ध्यान देना, x क्रॉस x से R में फंक्शन डिफाइंड हो रहा है। यहाँ पर जो सेट है x क्रॉस x है और इससे R में फंक्शन जब डिफाइंड हो रहा है तो यहाँ पर जो भी मेंबर मिलेगा वो ऑर्डर्ड पेयर में मिलेगा। यहाँ पर x और y जो है वो ऑर्डर्ड पेयर में होगा, तो ये ऑर्डर्ड पेयर का इमेज यहाँ पर मिलेगा और इमेज जो है वो क्या होना चाहिए, एक रियल नंबर आना चाहिए। और वो रियल नंबर जो है यहाँ पर जो फंक्शन डिफाइंड किए हैं इस x क्रॉस x से R में, तो वो फंक्शन चार कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। सबसे पहला कि d ऑफ एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए। दूसरा कंडीशन कि d ऑफ एक्स वाई अगर जीरो है तो इसका मतलब x इक्वल टू वाई, ये बोथ साइड इंप्लाइज है। अगर d ऑफ एक्स वाई जीरो है तो x इक्वल टू वाई होगा और अगर x इक्वल टू वाई है तो उस समय d ऑफ एक्स वाई इक्वल टू जीरो होगा। और तीसरा कंडीशन है कि d ऑफ एक्स वाई इक्वल टू d ऑफ वाई एक्स। और चौथा कंडीशन है कि d ऑफ एक्स वाई लेस देन इक्वल टू d ऑफ एक्स जेड प्लस d ऑफ जेड वाई, जहाँ पर एक्स वाई जेड जो है वो कोई भी x का एलिमेंट होगा। अगर ये चार कंडीशन को सेटिस्फाई करे ये फंक्शन, तो इस फंक्शन को कहते हैं मैट्रिक ऑन द सेट x, और इस d को कहेंगे मैट्रिक, और x और d को अगर इस तरीके से लिखें तो इसको कहते हैं मैट्रिक स्पेस। d को मैट्रिक कहते हैं और x के साथ अगर d को लिखते हैं तो इस पूरे पेयर को हम लोग कहेंगे, इस तरीके से जो लिखा गया ये दोनों का कम्बिनेशन को कहेंगे मैट्रिक स्पेस। क्या दिक्कत है किसी को? तो ये मैट्रिक स्पेस हो गया, जो लास्ट क्लास में प्रीवियस क्लास में बता चुके हैं इसका डेफिनेशन। आज हम लोग कुछ और एग्जांपल को देखेंगे, एग्जांपल भी बताए थे तो कुछ और एग्जांपल को हम लोग देखेंगे। यहाँ पर आज एक क्वेश्चन ले रहे हैं कि द फंक्शन डिफाइंड बाई डी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू रूट अंडर एक्स वन माइनस वाई वन टू द पावर टू प्लस एक्स टू माइनस वाई टू टू द पावर टू, फिर एक्स इज ऑर्डर्ड पेयर एक्स वन एक्स टू एंड वाई इज ऑर्डर्ड पेयर वाई वन वाई टू आर पॉइंट्स इन द प्लेन आर स्क्वायर इज ए मैट्रिक, प्रूफ इट। हम लोग को प्रूफ करना है कि ये जो फंक्शन इस तरीके से डिफाइंड कर रहे हैं, जहाँ देखना फंक्शन कैसे डिफाइंड किया गया है। आर स्क्वायर का मतलब प्लेन का, एक्स वाई प्लेन का कोई भी दो पॉइंट लिया गया है। मान लो ये एक्स वाई प्लेन है तो यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट लिखते थे एक्स और वाई लिखते थे, यहाँ एक्स और वाई नहीं लिखा हुआ है बल्कि क्या है एक्स वन और एक्स टू है। तो सपोज करो ये जो पॉइंट हम लोग ले रहे हैं, यहाँ पर जो पॉइंट ले रहे हैं उसका एक्स कोऑर्डिनेट एक्स वन और वाई कोऑर्डिनेट जो है वो एक्स टू है। अब वाई कोऑर्डिनेट नहीं कहेंगे इसको, हम लोग एक्स कोऑर्डिनेट कह सकते हैं, ये एक्स वन और ये एक्स टू हो गया सपोज कर लो।
तो ये आर स्क्वायर का प्लेन है। आर स्क्वायर प्लेन मीन्स क्या हुआ कि फर्स्ट कंपोनेंट भी रियल नंबर है और सेकेंड कंपोनेंट भी रियल नंबर है, इस तरीके से ऑर्डर्ड पेयर बना रहे हैं। तो ये x1 x2 हो गया, और एक दूसरा पॉइंट हम लोग ले रहे हैं यहाँ पर y1 और y2। एक पॉइंट हम लोग x1 x2 ले रहे हैं, दूसरा पॉइंट ले रहे हैं y1 और y2। अब इसको हम लोग x से भी डिनोट कर रहे हैं, इसको x से, और इसको कैसे डिनोट कर रहे हैं y से, x इक्वल टू दिस एंड y इक्वल टू दिस। अब ये दोनों दो पॉइंट हम लोग ले लिए, अब उसमें एक फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं। प्लेन पर हम लोग दो पॉइंट लिए, एक को x से डिनोट कर रहे हैं, दूसरे को y से डिनोट कर रहे हैं। तो जब x से एक पॉइंट को डिनोट कर रहा है तो इसका कोऑर्डिनेट x1 x2 है, ये y जो है वो उसका कोऑर्डिनेट y1 और y2 है। तो d ऑफ एक्स वाई क्या बता रहा है, रूट अंडर, यहाँ पर देखो d ऑफ एक्स वाई कैसे डिफाइन किया गया है, रूट अंडर x1 माइनस y1 टू द पावर 2, x1 माइनस y1 टू द पावर 2, और प्लस फिर x2 माइनस y2 टू द पावर 2, x2 माइनस y2 टू द पावर 2, इस तरीके से डिफाइन किया गया है। क्या ये डिस्टेंस बता रहा है दो पॉइंट के बीच का, ये डिफरेंस ऑफ फर्स्ट कोऑर्डिनेट हो गया, x1 माइनस y1 मतलब फर्स्ट कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर, प्लस x2 माइनस y2 का होल स्क्वायर मतलब सेकेंड कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर, और दोनों के स्क्वायर का सम का रूट अंडर लिया गया है। क्या ये डिस्टेंस बता रहे हैं ना, तो ये डिस्टेंस है। प्लेन पर दो पॉइंट ले रहे हैं, एक पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है, और उसके बीच का ये डिस्टेंस बता रहा है। तो इस तरीके से फंक्शन डिफाइन किया गया है। प्लेन पर कोई भी अगर हम लोग दो पॉइंट एक्स और वाई लेंगे तो वो क्या बताएगा, यहाँ पर डी ऑफ एक्स वाई क्या बताएगा, दोनों के बीच का डिस्टेंस बताएगा। तो क्या यहाँ पर डी जो है वो एक फंक्शन हो गया, कहाँ का फंक्शन हो गया, आर स्क्वायर से, आर स्क्वायर क्रॉस आर स्क्वायर से आर में। क्यों, आर स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, आर स्क्वायर का मतलब हो गया यहाँ का एक पॉइंट लिया गया है। आर स्क्वायर तो एक प्लेन को रिप्रेजेंट करता है ना, आर जो है वो रियल नंबर लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, आर स्क्वायर जब ले रहे हैं तो प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो प्लेन का यहाँ पर पॉइंट रखा गया, एक्स जो रखा गया है वो प्लेन का पॉइंट रखा गया, एक्स का यहाँ पर जब हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उसका दो कोऑर्डिनेट है, एक्स वन और एक्स टू। तो इसका एक पॉइंट लिया गया और इसका एक पॉइंट लिया गया है वाई। अब ये दोनों के दोनों का ऑर्डर्ड पेयर बनाया गया है और उसमें हम लोग फंक्शन को डिफाइन किए हैं। तो फंक्शन का जो वैल्यू आएगा क्या वो एक रियल नंबर आएगा, ये एक रियल नंबर है क्योंकि x1, y1, x2, y2 सभी रियल है ना, तो ये एक रियल नंबर आएगा यहाँ पर जो है ये बिलोंग करेगा R में। तो R स्क्वायर क्रॉस R स्क्वायर से R में ये फंक्शन डिफाइन किया गया है, और ये फंक्शन जो है वो इस तरीके से डिफाइन किया गया है, प्रूफ करना है कि ये फंक्शन क्या है, एक मैट्रिक है। तो ये मैट्रिक प्रूफ करने के लिए हम लोग चार कंडीशन दिखाएंगे। सबसे पहला हम लोग दिखाएंगे कि डी एक्स वाई जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए। तो चलो देखो कैसे हम लोग दिखाते हैं, चारों कंडीशन हम लोग कैसे दिखाते हैं। सबसे पहले फर्स्ट को देखते हैं, गिवन फंक्शन इज, यहाँ पर जो फंक्शन दिया हुआ है सबसे पहले हम लोग वो लिखते हैं। तो फंक्शन यहाँ पर है डी ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू रूट अंडर एक्स वन माइनस वाई वन टू द पावर टू प्लस एक्स टू माइनस वाई टू टू द पावर टू, जहाँ पर एक्स वाई है क्या, x और y दोनों किसका मेंबर है, आर स्क्वायर, एंड x क्या चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, x जो है वो एक पॉइंट है x1 x2 जिसका कोऑर्डिनेट x1 x2 है, एंड y जो है वो एक ऑर्डर्ड पेयर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये है y1 y2, मतलब ये जो है वो आर स्क्वायर का ही मेंबर होगा, ये भी x जो है वो भी आर स्क्वायर का मेंबर होगा। तो ये इस तरीके से फंक्शन डिफाइंड किया गया है। अब हम लोग देखते हैं कि चार कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं। फर्स्ट कंडीशन हम लोग देखते हैं, तो जरा ध्यान देना कि x1 वन माइनस वाई वन टू द पावर टू ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा, स्क्वायर है, कभी भी नॉन नेगेटिव नहीं होगा, जब भी होगा या तो जीरो होगा या फिर जीरो से बड़ा होगा। और दूसरा x2 टू माइनस वाई टू टू द पावर टू इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। जब ये दोनों नॉन नेगेटिव है तो दोनों के सम का, दोनों के स्क्वायर का सम हम लोग लेते हैं, x1 वन माइनस वाई वन टू द पावर टू प्लस एक्स टू माइनस वाई टू टू द पावर टू, इस दोनों का सम कर देते हैं और उसका रूट अंडर ले ले हैं, तो पॉजिटिव रूट अंडर होगा यहाँ पर, यहाँ जो है वो पॉजिटिव रूट अंडर है, फंक्शन है, तो नेगेटिव यहाँ पर नहीं होगा क्योंकि नेगेटिव भी अगर ले लेंगे तो फिर फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा, यहाँ पर पॉजिटिव है, कुछ नहीं लिखा मतलब ये पॉजिटिव रूट अंडर है।
तो ये पॉजिटिव रूट अंडर है तो इसका वैल्यू निश्चित रूप से ग्रेटर देन होगा या फिर क्या हो सकता है, जीरो। मान लो ये भी जीरो आ गया, ये भी जीरो आ गया, तो जीरो प्लस जीरो जीरो आ जाएगा ये, तो नेगेटिव कभी नहीं आएगा, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, एंड दिस इज इक्वल टू डी ऑफ एक्स वाई। मीन्स क्या हुआ कि एक्स वाई का जो डिस्टेंस फंक्शन मिल रहा है, फंक्शन का वैल्यू, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर स्क्वायर। फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है कि ये हमेशा नॉन नेगेटिव है। सेकेंड कंडीशन हम लोग देखते हैं, तो सेकेंड कंडीशन में क्या है, ज़रा ध्यान देना, हम लोग डी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू जीरो कर देते हैं। डी ऑफ एक्स वाई मतलब क्या हो गया, यहाँ पर डी ऑफ एक्स वाई का वैल्यू पुट कर देते हैं। डी ऑफ एक्स वाई है क्या, एक्स वन माइनस वाई वन, जो डिफिनेशन है एक्स वन माइनस वाई वन टू द पावर टू प्लस एक्स टू माइनस वाई टू टू द पावर टू एंड इट इज इक्वल टू जीरो। दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायर करने से ये रूट अंडर हट जाएगा, तो एक्स वन माइनस वाई वन टू द पावर टू प्लस एक्स टू माइनस वाई टू टू द पावर टू इट इज इक्वल टू जीरो। अब जरा ध्यान देना, ये जो नंबर है वो नॉन नेगेटिव है क्योंकि स्क्वायर है ना, तो जरा समझोगे, मान लो दो नंबर जो नॉन नेगेटिव है उसके उसका सम जो है अगर जीरो है, तो निश्चित रूप से ये कब जीरो हो सकता है, जब एक्स इक्वल टू जीरो हो और वाई इक्वल टू जीरो हो। क्यों, क्योंकि ये ऑलवेज नॉन नेगेटिव है, नेगेटिव कभी नहीं हो सकता है क्योंकि स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ये भी नॉन नेगेटिव है। ध्यान देना, अगर मान लो एक टू नंबर है और दूसरा नंबर माइनस टू लेते हैं, तब दोनों का सम जीरो हो सकता है। एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, दोनों का सम जीरो हो जाएगा। लेकिन अगर दोनों पॉजिटिव रहे, मान लो टू ले लेते हैं और थ्री ले लेते हैं, दो पॉजिटिव का सम कभी भी जीरो हो सकता है क्या, नहीं होगा। दो पॉजिटिव का सम कभी भी जीरो नहीं होगा, एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव होना चाहिए, तो दो रियल नंबर जो दोनों पॉजिटिव है उसका सम कभी भी जीरो के बराबर नहीं होगा। तो अगर नॉन नेगेटिव नंबर है, दो नंबर हम लोग एक्स और वाई ले रहे हैं और दोनों नंबर नॉन नेगेटिव है, तो इसका सम कब जीरो हो सकता है, नेगेटिव तो हो है नहीं है, और अगर नेगेटिव नहीं है तो जीरो रखने पर इसका भी वैल्यू जीरो रख दें, इसका भी वैल्यू जीरो रख दें, तभी ना सम जीरो होगा। अगर ये पॉजिटिव दोनों रखते हैं तब तो सम जीरो आता नहीं है, तो इसीलिए दोनों को हम लोग को जीरो रखना पड़ेगा, तब इसका सम जीरो आएगा। तो इसीलिए ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अगर जीरो है तो एक्स का वैल्यू भी जीरो होगा और y का भी वैल्यू जीरो होगा, तभी इसका सम जीरो आ सकता है। तो यहाँ पर भी देखो, ये स्क्वायर है तो ये हमेशा नॉन नेगेटिव होगा, ये स्क्वायर है तो ये भी हमेशा नॉन नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव है नहीं और दोनों का सम जीरो है, तो सम जीरो है तो कब जीरो हो सकता है ये, जब फर्स्ट एक्स वन माइनस वाई वन इट इज इक्वल टू जीरो एंड सेकेंड एक्स टू माइनस वाई टू इट इज ऑल्सो इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x1 इक्वल टू वाई वन हो जाएगा और यहाँ से क्या होगा, x2 इक्वल टू वाई टू हो जाएगा यहाँ से। अब देखो x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू है x1 x2, और यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये x का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है, x इज इक्वल टू x1 कॉमा x2, तो x1 के जगह क्या लिख सकते हैं, x1 के जगह हम लोग लिख सकते हैं y1 और x2 के जगह क्या लिख सकते हैं y2, और ये क्या हो गया, y के इक्वल आ गया, y इक्वल टू वाई वन कॉमा वाई टू है ना, तो ये वाई वन कॉमा वाई टू जो है वो y के इक्वल आ गया। तो क्या यहाँ से हम लोग प्रूफ कर दिए कि x इक्वल टू y, अगर डी एक्स वाई को जीरो मानते हैं तो हम लोग दिखा दिए कि x इक्वल टू क्या है, y। अगर x इक्वल टू y माने जी, ये दोनों को इक्वल मान लें, तो क्या ये जीरो आएगा, इधर उल्टा चलेंगे, x इक्वल टू वाई है मतलब ये दोनों इक्वल हो जाएगा, और ये दोनों इक्वल हो जाएगा तो फर्स्ट कंपोनेंट के इक्वल और सेकेंड कंपोनेंट के इक्वल, तो जब दोनों इक्वल होगा तो ये जीरो आ जाएगा, और ये दोनों इक्वल होगा तो ये जीरो आ जाएगा, और ये जीरो है तो इसका भी वैल्यू जीरो हो जाएगा, और ये जीरो है तो ये भी जीरो हो जाएगा, यानी कि डी एक्स वाई इक्वल टू जीरो हो जाएगा। अगर हम लोग इधर से रिवर्स चलते हैं तो यहाँ तक पहुँचते हैं कि नहीं, ये चेक करो। अगर इसको लेकर के चल रहे हैं तो यहाँ x इक्वल टू वाई दिखा दिए, लेकिन अगर x इक्वल टू वाई लेकर के चलते हैं तो ये पहुँच यहाँ पर ये इक्वल टू जीरो आता है कि नहीं, ये जरा चेक करो। अगर x इक्वल टू वाई मान रहे हैं तो x का वैल्यू यही है ना, y का वैल्यू यही है, दोनों इक्वल हो जाएगा। दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल कब होता है, जब फर्स्ट कंपोनेंट के इक्वल आ जाए और सेकेंड कंपोनेंट के इक्वल आ जाए। ये इधर ले आओगे तो दिस इज इक्वल टू जीरो, ये इधर ले आओगे तो दिस इज इक्वल टू जीरो, और ये जीरो है तो दोनों का स्क्वायर का सम भी क्या हो जाएगा, ये भी जीरो है, ये भी जीरो है, तो इसका सम जीरो हो गया। तो इसका रूट अंडर कर देते हैं तो रूट अंडर भी जीरो हो जाएगा, और इसी को हम लोग क्या लिख रहे हैं, डी एक्स वाई।
तो ये बोथ साइड इम्प्लाइज हो जाएगा। हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, बोथ साइड इम्प्लाइज अलग से भी लिख सकते हो, इसको लेकर के चलो फिर वहाँ दिखा दो, या एक ही साथ ये काम कर सकते हैं। तो सेकेंड कंडीशन यही था कि डी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू जीरो अगर है तो एक्स इक्वल टू क्या होना चाहिए, वाई। अब थर्ड कंडीशन हम लोग देखते हैं जिसको सिमेट्रिक कहते हैं, ये डी एक्स वाई इक्वल टू डी वाई एक्स दिखाना है हम लोग को। तो इसको सिमेट्रिक कहते हैं, कैसे दिखाते हैं जरा ध्यान देना। डी ऑफ एक्स वाई यहाँ पर दिया हुआ है, डेफिनेशन में लिखा हुआ है डी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स वन माइनस वाई वन टू द पावर टू प्लस एक्स टू माइनस वाई टू टू द पावर टू। अब जरा ध्यान देना, ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर है, होल स्क्वायर है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको ये चेंज कर सकते हैं, वाई वन माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ पर भी एक्स टू माइनस वाई टू का होल स्क्वायर है, इसको क्या लिख सकते हैं, वाई टू माइनस एक्स टू का होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है, हम लोग चेंज कर देते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और जरा ध्यान देना, यहाँ पर एक्स वन माइनस वाई वन और एक्स टू माइनस वाई टू का होल स्क्वायर था ये, तो ये डी ऑफ एक्स वाई बता रहा है। देखो एक्स पहले था इसमें, एक्स था पहले, तो एक्स को पहले लिख रहे थे, वाई बाद में था तो वाई को बाद में लिख रहे थे। यहाँ जस्ट उल्टा है, वाई पहले है और एक्स बाद में है, तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग, डी ऑफ वाई एक्स लिखेंगे। तो डी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू क्या आ गया, डी ऑफ वाई एक्स आ गया। ये तीन कंडीशन हो गया। अब एक हम लोग को फोर्थ कंडीशन दिखाना है, फोर्थ कंडीशन में क्या है, ट्राइंगल इनइक्वालिटी दिखाना है। तो डी एक्स वाई लेस देन इक्वल टू क्या दिखाएंगे, डी एक्स जेड प्लस डी ऑफ जेड कॉमा वाई, ये प्रूफ करना है। अब इसका जो फोर्थ कंडीशन जिसको ट्राइंगल इनइक्वालिटी कहते हैं, उसको प्रूफ करने के लिए एक मिनकोस्किज इनइक्वालिटी का जरूरत पड़ेगा। ये क्या है, ये मिनकोस्किज इनइक्वालिटी डायरेक्ट इसका एप्लीकेशन हम लोग अभी अप्लाई करेंगे फोर्थ कंडीशन को प्रूफ करने के लिए। तो ये कौन सा इनइक्वालिटी है जरा इसको समझ लो। सपोज करो u इक्वल टू यू वन यू टू डॉट डॉट यू एन एंड v इक्वल टू वी वन वी टू डॉट डॉट वी एन विद टू n टपल्स ऑफ रियल नंबर्स। ये n टपल्स है, n टपल्स मीन्स क्या हुआ, यहाँ पर n रियल नंबर लिखा हुआ है, ये रियल नंबर के बदले कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है। तो यहाँ पर ये n रियल नंबर लिखा हुआ है और ऑर्डर्स में लिखा हुआ है, एक फिक्स्ड ऑर्डर है उसमें लिखा हुआ है। यहाँ पर भी हम लोग एक फिक्स्ड ऑर्डर में n नंबर्स ले रहे हैं रियल नंबर्स, तो ये n टपल्स हो गया, ये भी n टपल्स हो गया। अब यहाँ पर इसका कहना है मिनकोस्किज इनइक्वालिटी का कि u और v अगर दो n टपल्स है तो यू आई प्लस वी आई टू द पावर टू, अगर इसका हम लोग समेशन करें फ्रॉम वन टू n तक और फिर उसका हम लोग पावर वन बाई टू कर दें, तो लेस देन इक्वल टू होगा यू आई का होल स्क्वायर इसका समेशन के पावर वन बाई टू प्लस वी आई का होल स्क्वायर और इसके समेशन के पावर वन बाई टू। क्या है जरा समझोगे, जरा ध्यान देना यहाँ पर इसको कैसे लिख सकते हैं, इस चीज़ को जरा समझोगे। समेशन लिखा हुआ है, समेशन मीन्स आई का वैल्यू पहले हम लोग वन पुट करेंगे, तो यू वन प्लस वी वन इसका होल स्क्वायर होगा, फिर आई के जगह टू पुट करके ऐड करेंगे तो यू टू प्लस वी टू इसका होल स्क्वायर होगा, डॉट डॉट ये कहाँ तक ले जाएंगे हम लोग, एन तक ले जाएंगे, तो यू एन प्लस वी एन इसका होल स्क्वायर होगा और इसका फिर पावर कितना है, वन बाई टू। ये लेफ्ट हैंड साइड का मतलब यही हुआ कि आई का वैल्यू हम लोग एक बार वन पुट करके लिखे हैं, फिर आई का वैल्यू टू पुट करके लिखे हैं, इस तरीके से लास्ट में आई का वैल्यू एन पुट करके लिखे हैं, और इस सभी का जो सम है उसका फिर पावर है यहाँ पर वन बाई टू, पूरे समेशन का पावर वन बाई टू है। ये जो होगा, ये लेफ्ट हैंड साइड जो है वो लेस देन इक्वल टू होगा। जरा यहाँ पर समझोगे ये क्या है, आई का वैल्यू पहले वन पुट करो तो यू वन स्क्वायर, फिर टू पुट करते हैं तो यू टू स्क्वायर, फिर आई का वैल्यू एन पुट करते हैं तो डॉट डॉट इसी तरीके से यहाँ पर आ जाएगा यू एन स्क्वायर, और इसके समेशन का फिर पावर है यहाँ पर वन बाई टू प्लस दूसरा क्या है, इसी तरीके से यहाँ आई का वैल्यू वन से वन एन तक पुट करेंगे तो वी वन स्क्वायर प्लस वी टू स्क्वायर डॉट डॉट वी एन स्क्वायर और इसका पावर वन बाई टू। तो ये इनइक्वालिटी है, क्या मीनिंग हुआ कि देखो u1 और v1 दोनों का सम का स्क्वायर था, u2 v2 दोनों का सम का स्क्वायर था, इस सभी के सम के स्क्वायर का अगर पावर 1 बाई टू करना है तो क्या करना कर सकते हो कि सभी का फर्स्ट वाला के स्क्वायर का सम करो, u1 स्क्वायर u2 स्क्वायर डॉट डॉट un स्क्वायर, सभी के फर्स्ट का स्क्वायर का सम है और उसका पावर 1 बाई टू लिया गया, फिर सेकेंड के स्क्वायर का सम करो, सेकेंड के स्क्वायर का सम करते हैं और उसका फिर पावर 1 बाई टू ले लिया गया है, तो ये जो समेशन होगा ये लेस देन होगा इससे।
इसी इनइक्वलिटी को कहते हैं मिनकोस्किज इनइक्वलिटी। मान लो अभी हम लोग यहाँ पर इन टर्म्स लिखे हुए हैं, सपोज करो दो ही है, सपोज करो कि u1 प्लस v1 का हॉल स्क्वायर प्लस u2 प्लस v2 का हॉल स्क्वायर, ये दो ही है, तो ये लेस देन और फिर इसके सम का पावर है 1/2, तो ये लेस देन इक्वल टू होगा किससे, u1 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर का पावर 1/2 प्लस v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर का हॉल स्क्वायर इसका पावर 1/2। ये u1 प्लस v1 का स्क्वायर का सम, u1 प्लस v1 का हॉल स्क्वायर प्लस u2 प्लस v2 का हॉल स्क्वायर और इसके सम का जो पावर 1/2 आएगा, रूट अंडर जो आएगा वो लेस देन इक्वल टू होगा u1 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर टू द पावर 1/2 प्लस v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर टू द पावर 1/2। ये दोनों के सम से, यानी कि इसका और इसका सम कर देंगे, इसका इसका अलग से सम कर देंगे, फिर पावर 1/2 करेंगे, तो उससे ये स्मॉलर ही आएगा। कोई भी एक एग्जांपल लेकर के तुम लोग वेरीफाई करके देख सकते हो, निश्चित रूप से या तो लेस देन आएगा या फिर क्या आएगा, इक्वल टू आएगा। तो इसी को कहते हैं मिनकोस्किज इनइक्वालिटी, इसका यूज करेंगे फोर्थ कंडीशन में। जय ध्यान देना, मिनकोस्किज इनइक्वालिटी में यहाँ पर एक चीज़ ये हो सकता है, ये अभी हम लोग यहाँ पर स्क्वायर की है ना, स्क्वायर के जगह क्यूब भी हो सकता है। यहाँ अगर क्यूब होगा तो यहाँ पर पावर क्या हो जाएगा, 1/3। यहाँ पर भी क्यूब हो जाएगा, यहाँ पर पावर 1/3 हो जाएगा। यहाँ पर भी क्यूब हो जाएगा, यहाँ पर भी पावर 1/3। मतलब यहाँ पर कोई भी नंबर ग्रेटर देन 1 लिख सकते हैं, 1 से बड़ी संख्या कोई भी रखा जा सकता है। तो फिलहाल अभी हम लोग ज़रूरत है स्क्वायर का, तो यहाँ पर हम लोग स्क्वायर ही रख रहे हैं। जो भी हम लोग प्रूफ करने जा रहे हैं उसमें स्क्वायर का ज़रूरत है। तो यहाँ पर कोई भी 1 से बड़ा नंबर हो सकता है। मिनकोस्किज इनइक्वालिटी जो है वो सिर्फ स्क्वायर के बारे में नहीं बताता है, बल्कि यहाँ पर पी रख सकते हैं, तो यहाँ पर भी पी रखना पड़ेगा, और पी जो है वो ग्रेटर देन 1 होता है। ठीक है, तो चलो देखो इसको, इसका यूज करेंगे और कैसे फोर्थ कंडीशन को हम लोग प्रूफ करते हैं। अभी ज़रा ध्यान देना, हम लोग क्या कर रहे हैं फोर्थ कंडीशन के लिए, ये तो एक नोट है, एक डायरेक्ट अप्लाई करेंगे हम लोग, तो इसको फिलहाल कहीं नोट करके लिख लेना। लेकिन जो हम लोग सवाल बना रहे थे वो थर्ड कंडीशन तक प्रूफ कर चुके हैं, अब फोर्थ कंडीशन हम लोग यहाँ पर प्रूफ करते हैं। तो फोर्थ कंडीशन में हम लोग तीन पॉइंट लेंगे, एक एक्स इक्वल टू एक्स वन एक्स टू, एक दूसरा लेंगे वाई इक्वल टू वाई वन वाई टू, और एक थर्ड लेंगे जेड इक्वल टू जेड वन जेड टू। ये तीन पॉइंट लिए ऑफ थ्री एलिमेंट्स या थ्री पॉइंट्स इन आर स्क्वायर, आर स्क्वायर का ये थ्री पॉइंट्स ले लिए। अब देखो डी ऑफ एक्स कॉमा वाई, ये क्या बता रहा है, डिफाइंड किया हुआ था, डेफिनेशन था एक्स वन माइनस वाई वन टू द पावर टू प्लस एक्स टू माइनस वाई टू टू द पावर टू। अब देखो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, ये जो रूट अंडर है, रूट अंडर को हम लोग इसका पावर 1/2 भी लिख सकते हैं ना, यहाँ लिख सकते हैं एक्स वन माइनस वाई वन टू द पावर टू प्लस एक्स टू माइनस वाई टू टू द पावर टू, और इस पूरे का पावर क्या लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं। अब जरा समझोगे यहाँ पर क्या करते हैं, इसमें हम लोग जेड वन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं और जेड वन को ऐड भी कर देते हैं, ऐसा कर सकते हैं, और इसका फिर क्या है हॉल स्क्वायर, यहाँ पर x1 माइनस y1 का हॉल स्क्वायर है ना, तो x1 माइनस y1 का ही हॉल स्क्वायर लिख रहे हैं, जेड वन सब्ट्रैक्ट किए, जेड वन ऐड भी कर दिए, बिल्कुल यहाँ पर भी वही काम करते हैं। x2 में हम लोग z2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं और z2 को फिर ऐड कर देते हैं, और इसका क्या है हॉल स्क्वायर, ये दोनों को एक ब्रैकेट में रखते हैं और ये दोनों को एक ब्रैकेट में, और ये फिर पूरे का पावर क्या है 1/2। अब जरा ध्यान देना, देखो जो अभी हम यहाँ पर बता रहे थे कि u1 प्लस v1 का हॉल स्क्वायर प्लस u2 प्लस v2 का हॉल स्क्वायर का पावर अगर 1/2 रहे तो वो लेस देन इक्वल टू होता है किसका, u1 का स्क्वायर करना है फिर u2 का स्क्वायर करना है और इसका पावर 1/2, फिर v1 का स्क्वायर करना है और v2 का स्क्वायर करना है, दोनों के सम का फिर पावर 1/2, तो ये दोनों के समेशन से ये लेस देन होता है। क्या कुछ ऐसा ही है यहाँ पर, u1 प्लस u2 का हॉल स्क्वायर फिर u1 प्लस v1 का हॉल स्क्वायर प्लस u2 प्लस v2 का हॉल स्क्वायर, ये हो गया तुम्हारा u1 प्लस ये हो गया v1, u1 प्लस v1 का हॉल स्क्वायर आ रहा है और फिर यहाँ पर क्या आ रहा है u2 प्लस v2 का हॉल स्क्वायर, और इस पूरे का पावर क्या है 1/2, कुछ ऐसा ही है ना।
जो यहाँ पर था u1 प्लस v1 का होल स्क्वायर प्लस u2 प्लस v2 का होल स्क्वायर का पावर 1/2, तो ये पूरा u1 है, इसको हम लोग पूरा u1 मान रहे हैं, u1 और ये पूरा को v1 मान रहे हैं, ये पूरा को u2 और ये पूरे को v2 सपोज कर रहे हैं। तो क्या बताए थे कि u1 का स्क्वायर प्लस u2 का स्क्वायर कर देंगे अलग अलग, तो u1 मीन्स ये हो गया, तो ये ऐसा कर सकते हैं x1 माइनस z1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस z2 का होल स्क्वायर, और इस पूरे का पावर क्या हो जाएगा 1/2। क्या लिख सकते हैं, मिनकोस्की इनइक्वालिटी से u1 का भी स्क्वायर करते हैं, u2 का भी स्क्वायर करते हैं और दोनों के सम का फिर पावर 1/2 करते हैं। फिर यहाँ पर देखो आगे फिर क्या करते हैं, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर, तो v1 की जगह क्या है z1 माइनस y1 टू द पावर 2 प्लस z2 माइनस y2 टू द पावर 2 और ये फिर पूरे का पावर 1/2। ये आया कहाँ से, ये आ रहा है यहाँ पर लिख देंगे बाय मिनकोस्की इनइक्वालिटी, मिनकोस्कीज इनइक्वालिटीज इससे हम लोग लिखे हुए हैं ये। अब जरा देखो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इक्वल टू x1 माइनस z1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस z2 का होल स्क्वायर, और फिर इसका रूट अंडर भी लिख सकते हैं, ये पावर 1/2 का मतलब क्या हो गया, x1 माइनस z1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस z2 का होल स्क्वायर और इसका रूट अंडर हो गया। यहाँ पर भी हम लोग रूट अंडर लिख सकते हैं पावर 1/2 को, तो z1 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब जरा देखो ये क्या बता रहा है, जैसे देखो dxy किसका रिप्रेजेंट करता है, d ऑफ xy क्या है, x1 माइनस y1 का होल स्क्वायर x2 माइनस y2 का होल स्क्वायर का रूट अंडर जो है वो d ऑफ xy बता रहा है। तो यहाँ x1 माइनस z1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस z2 का होल स्क्वायर है और इसका रूट अंडर है, ये क्या बताएगा d ऑफ xz। उसी तरीके से ये क्या बताएगा d ऑफ zy। तो अब देखो यहाँ से कि d ऑफ xy इसके बराबर है, फिर ये इसके इक्वल हुआ, फिर ये इसके इक्वल हुआ और ये इससे लेस देन है और फिर ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो d ऑफ xy क्या हो गया, लेस देन हो गया। यहाँ तो लेस देन है ना, तो लेस देन है इसका मतलब d ऑफ xy लेस देन इक्वल टू आ गया d ऑफ xz प्लस d ऑफ zy, जहाँ पर xyz जो है वो कोई भी r स्क्वायर का मेंबर है। तो ये ट्राइंगल इनइक्वालिटी भी हो गया। तो हम लोग देख रहे हैं कि चारों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो देयरफॉर डी इज ए मैट्रिक, डी एक मैट्रिक हो गया ऑन आर स्क्वायर, आर स्क्वायर सेट में ये एक मैट्रिक हो गया। तो चलो इसको लिख लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं, सो दैट द मैपिंग डी फ्रॉम आर स्क्वायर क्रॉस आर स्क्वायर टू आर, जो अभी जैसे हम लोग डिफाइन किए थे वैसा ही यहाँ पर है, आर स्क्वायर क्रॉस आर स्क्वायर से आर में ये एक मैपिंग डिफाइन किया गया है इस तरीके से, डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ x1 माइनस y1 मॉड ऑफ x1 माइनस y1 एंड मॉड ऑफ x2 माइनस y2, ये दोनों में से जो मैक्सिमम होगा वही इसका वैल्यू होगा इस फंक्शन का, जहां पर x क्या बता रहा है x1, x2, y1, y2 ये दोनों जो है वो आर स्क्वायर का मेंबर है। तो दिखाना है कि ये जो फंक्शन डिफाइंड किए हैं, दिस इज ए मैट्रिक ऑन आर स्क्वायर। क्या है मीनिंग जरा समझोगे इस क्वेश्चन को, कि हम लोग प्लेन पर ही दो पॉइंट ले रहे हैं, एक x ले रहे हैं जिसको हम लोग कैसे लिख रहे हैं, कोऑर्डिनेट x1 और x2 है, और दूसरा y ले रहे हैं जिसको y1 और y2 लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये ऑर्डर पेयर x1 x2 x को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ऑर्डर पेयर y1 y2 जो है वो y को, ये r स्क्वायर का ही मेंबर होगा, जब दो कोऑर्डिनेट लिखा हुआ है तो ये r स्क्वायर आने के प्लेन का मेंबर, प्लेन का पॉइंट होगा। तो अब ये दोनों के बीच मैपिंग कैसे, फंक्शन कैसे डिफाइन किया गया है, डी ऑफ एक्स वाई क्या है, डी ऑफ एक्स वाई मैक्सिमम ऑफ, ये मैक्सिमम है मॉड x1 माइनस y1 और मॉड ऑफ x2 माइनस y2, ये दोनों का जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगा उसके बराबर होगा। जैसे सपोज करो मान लो x=3, 7 है और y=2 जो है वो 2, 5 है, 2, 5 है यहाँ पर। अब देखो क्या करना है, मैक्सिमम किसका निकालना है, फर्स्ट कंपोनेंट के डिफरेंस का मॉडुलस x1 माइनस y1 का मॉडुलस और सेकेंड कंपोनेंट के डिफरेंस का मॉडुलस x2 माइनस y2 के का मॉडुलस, उसमें से जो मैक्सिमम होगा। तो यानी कि हम लोग को अगर हम डी ऑफ एक्स वाई निकालना है तो कैसे निकालेंगे,
मैक्सिमम निकालेंगे, किसका मैक्सिमम निकालेंगे, फर्स्ट कंपोनेंट का डिफरेंस यानी 3-2 का मॉडुलस, और फिर सेकेंड कोऑर्डिनेट या सेकेंड कंपोनेंट का डिफरेंस 7-5 का मॉडुलस। अब दोनों का मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रहा है ये चेक करो, तो मैक्सिमम ऑफ 3-2 मीन्स 1 हो जाएगा, 1 का मॉडुलस भी 1 आएगा, और 7-5 मतलब 2 आ जाएगा, तो अब दोनों में से मैक्सिमम कितना है 2, तो इसका वैल्यू जो है वो 2 आ गया। यानी एक्स और वाई जो यहाँ पर हम लोग दो पॉइंट ले रहे हैं, उस दो पॉइंट का हम लोग डी फंक्शन निकाल रहे हैं, तो इस डी फंक्शन कितने के बराबर है, 2 के बराबर है। तो जरा ध्यान देना, इस तरीके से हम लोग एक फंक्शन डिफाइंड किए हैं, और जो एक्स और वाई जो ले रहे हैं वो क्या है, प्लेन का पॉइंट है, आर स्क्वायर का पॉइंट है, एक्स भी आर स्क्वायर का है और ये वाई भी आर स्क्वायर का। आर स्क्वायर मीन्स क्या हो गया, ये प्लेन को रिप्रेजेंट करता है ना, आर क्यू मतलब क्या हो गया, स्पेस को रिप्रेजेंट करता है, तो आर स्क्वायर जो है वो प्लेन को रिप्रेजेंट करता है। तो प्लेन का कोई भी दो पॉइंट ले लेते हैं और उसके बीच का अगर हम लोग डी फंक्शन निकालना चाहते हैं तो इस तरीके से अगर निकाल सकते हैं, तो दिखाना है कि अगर ये इस तरीके से फंक्शन डिफाइंड कर रहे हैं तो वो एक मैट्रिक होगा आर स्क्वायर में। तो चलो अब देखो, मैट्रिक डिफाइन करने के लिए, मैट्रिक दिखाने के लिए हम लोग को चार कंडीशन दिखाना पड़ेगा, तो चारों कंडीशन कैसे दिखाते हैं। सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन के बारे में लिखेंगे, लेकिन पहले जो फंक्शन दिया हुआ है उस फंक्शन को हम लोग लिख जाते हैं। लिखते हैं कि यहाँ पर लेट एक्स, एक्स मीन्स क्या हो गया, x1, x2, फिर दूसरा लिखते हैं वाई, वाई इज इक्वल टू y1, y2, ये एक पॉइंट हो गया, और तीसरा ले लेते हैं जेड, जेड इक्वल टू z1, z2, बी एनी थ्री पॉइंट्स ऑन आर स्क्वायर। हम लोग कोई भी तीन पॉइंट ले लिए, पॉइंट्स ऑन आर स्क्वायर का भी ये पॉइंट है, ये प्लेन का कोई भी तीन पॉइंट है। गिवन दैट यहाँ पर जो डेफिनेशन दिया हुआ है डी फंक्शन का, वो लिख जाते हैं कि डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू क्या है, मैक्सिमम ऑफ, मैक्सिमम है मॉड x1-y1 एंड मॉड ऑफ x2-y2, इसका जो एब्सोल्यूट वैल्यू आएगा इसके डिफरेंस का, उसका मैक्सिमम वैल्यू है। तो सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन देखते हैं हम लोग, फर्स्ट कंडीशन है, दिखाना है हम लोग को फर्स्ट कंडीशन में क्या, कि डी ऑफ एक्स कॉमा वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, यही ना दिखाना है। तो जरा समझोगे, सिंस यहाँ पर मॉड x1-y1 इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि ये एब्सोल्यूट वैल्यू है। एब्सोल्यूट वैल्यू में मीन्स क्या हुआ है कि ये हमेशा नॉन नेगेटिव होता है, कभी भी नेगेटिव इसका वैल्यू नहीं होता है, 0 हो सकता है लेकिन नेगेटिव नहीं होता है। एंड मॉड ऑफ x2-y2 इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ये भी ग्रेटर देन 0, ये भी ग्रेटर देन 0 इम्प्लाइज मैक्सिमम जो वैल्यू आएगा, ये दोनों में से कोई एक ही ना मैक्सिमम होगा, ये या तो ये मैक्सिमम हो या फिर ये मैक्सिमम हो, तो इसका जो वैल्यू निकालेंगे या तो ये होगा या ये होगा, क्या नेगेटिव आएगा क्या, क्योंकि अगर ये है तो ये भी पॉजिटिव है, सॉरी नॉन नेगेटिव है, या अगर ये अगर मैक्सिमम आ जाता है तो ये भी नॉन नेगेटिव है, तो इट इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और मैक्सिमम को ही हम लोग क्या लिख रहे हैं, डी ऑफ एक्स वाई इट इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। अब सेकेंड कंडीशन के लिए हम लोग, सेकेंड कंडीशन में क्या था, सेकेंड कंडीशन में है कि डी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू हम लोग क्या ले रहे हैं, 0। अगर ये 0 लेते हैं तो दिखाना क्या है कि x इक्वल टू वाई। अब डी एक्स वाई को कैसे डिफाइंड किया गया है, मैक्सिमम ऑफ मॉड x1-y1, मॉड x2-y2, इसका जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 0 है, इसका मैक्सिमम वैल्यू 0 है। मतलब मान लो ये मैक्सिमम है, सपोज करो ये मैक्सिमम है, ये 0 है। अब जब ये मैक्सिमम है तो इससे तो ये स्मॉलर ही होगा, या फिर क्या हो सकता है, इसके इक्वल भी हो सकता है, दोनों इक्वल भी हो सकता है। मान लो ऐसा हो सकता है कि मैक्सिमम ऑफ 2, 2, तो इस दोनों का मैक्सिमम कितना आ गया, 2। लेकिन अगर रहे मैक्सिमम ऑफ 2, 2 और 3 का मैक्सिमम है तो मैक्सिमम कितना है, 3। तो जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वो दूसरे वैल्यू से क्या होता है, या तो बड़ा होगा या फिर क्या होगा, दोनों इक्वल होगा। जो मैक्सिमम वैल्यू आ रहा है इसका, जो दूसरा वैल्यू है उससे या तो बड़ा होता है या फिर दोनों इक्वल होता है। तो मैक्सिमम जो है वो 0 है, अब इस दोनों का मैक्सिमम जो है वो 0 है। सपोज करो ये मैक्सिमम है, मान लेते हैं कि ये मैक्सिमम है, ये 0 है, तो दूसरा जो वैल्यू आएगा वो इससे तो छोटा ही आएगा, क्योंकि ये तो मैक्सिमम है ना। तो अब इससे छोटा होगा तो क्या ये -1 हो सकता है क्या,
नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि ये मॉड है। तो माइनस वन नहीं हो सकता है, नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो फिर इसको क्या होना पड़ेगा? जीरो ही होना पड़ेगा इसको। क्यों? क्योंकि हम लोग मान रहे हैं कि ये मैक्सिमम है, यानी कि इससे ये स्मॉलर ही होगा, और जब स्मॉलर होगा तो जीरो से स्मॉलर ये नेगेटिव नंबर आता है, नेगेटिव इसका वैल्यू हो नहीं सकता है, तो इसका भी वैल्यू निश्चित रूप से जीरो होगा, क्योंकि मॉड है, नेगेटिव होगा नहीं, तो निश्चित रूप से इसका भी वैल्यू जीरो होगा। अब देखो, मान लो इसका भी वैल्यू जीरो, इसका भी वैल्यू जीरो, तो मैक्सिमम कितना हो जाएगा? जीरो। तो चूंकि ये मैक्सिमम जीरो है इसका, तो इम्प्लाइज हम लोग लिख सकते हैं कि मॉड एक्स वन माइनस वाई वन ये भी जीरो आएगा, एंड मॉड एक्स टू माइनस वाई टू ये भी क्या होगा? जीरो। मॉड को रिमूव कर दो, यहाँ पर एक्स वन माइनस वाई वन इक्वल टू जीरो हो जाएगा, और यहाँ से मॉड एक्स टू माइनस वाई टू इक्वल टू जीरो हो जाएगा। अब हम लोग देखो यहाँ पर लिखते हैं कि यहाँ से जरा समझोगे, ये वाई वन को उधर ले जाएंगे, एक्स वन इक्वल टू वाई वन, और ये वाई टू को उधर ले जाएंगे, मॉड हटा दो यहाँ से, तो वाई टू को उधर ले जाएंगे, तो एक्स टू इक्वल टू वाई टू, तो यहाँ से क्या आ रहा है कि एक्स वन इक्वल टू वाई वन एंड एक्स टू इक्वल टू वाई टू। अब जरा ध्यान देना, तो x को हम लोग क्या लिख रहे थे? x क्या था? x1 वन कॉमा एक्स था। x1 के जगह क्या लिखेंगे? y1, और x2 के जगह क्या लिख सकते हैं? y2, और y1 वन कॉमा वाई टू क्या किसके बराबर था? y के बराबर। तो x इक्वल टू क्या आ गया? x इक्वल टू वाई आ गया, यही प्रूव करना था, लेकिन बोथ साइड इम्प्लाइज है। अब हम लोग देखते हैं कि इसको जीरो माने हैं और दिखाए हैं एक्स इक्वल टू वाई। अगर एक्स इक्वल टू वाई मान ले तो ये जीरो आएगा या नहीं, जरा रिवर्स ऑर्डर में हम लोग चल करके देखते हैं कि आता है कि नहीं। मान लो एक्स इक्वल टू वाई मान रहे हैं, तो ये दोनों क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। और जब ये दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल है, तो फर्स्ट कंपोनेंट के इक्वल आएगा, सेकेंड कंपोनेंट के इक्वल आएगा। अब ये दोनों इक्वल आ गया, तो इसको इधर ले आएंगे, ये इधर ले आएंगे, तो x1 वन माइनस वाई वन इक्वल टू जीरो, एक्स टू माइनस वाई टू इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पर पहुँच जाएंगे हम लोग। और ये जब जीरो है तो इसका मॉडुलस भी क्या हो जाएगा? जीरो। तो ये दोनों जीरो है तो इसका मैक्सिमम क्या हो जाएगा? ये भी जीरो है, ये भी जीरो है, तो इसका मैक्सिमम जीरो हो जाएगा, और मैक्सिमम को ही ये कह रहे हैं, तो रिवर्स ऑर्डर भी चल करके हम लोग आ सकते हैं यहाँ पर। तो ये बोथ साइड इम्प्लाइज होगा, हम लोग यहीं पर एक ही साथ में लिख देते हैं कि ये बोथ साइड इम्प्लाइज हो जाएगा, अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी में कन्फ्यूजन है तो एक बार हम लोग इसको जीरो मान करके वो दिखा देंगे, और उसको जीरो इक्वल मान करके फिर इसको जीरो दिखा देंगे, अगर कहीं कन्फ्यूजन है तो। और कन्फ्यूजन नहीं है तो यहाँ पर हम लोग बोथ साइड इम्प्लाइज एक साथ लिख सकते हैं। तो दूसरा कंडीशन हो गया। अब तीसरा कंडीशन, ये आसान होता है सिमेट्री प्रूफ करना। डी ऑफ एक्स वाई का मतलब क्या हुआ कि मैक्सिमम ऑफ मॉड एक्स वन माइनस वाई वन एंड मॉड एक्स टू माइनस वाई टू, इसी का मैक्सिमम था। अब जरा ध्यान देना, यहाँ पर मॉडुलस है, तो मॉडुलस है तो हम लोग इसको इंटरचेंज भी कर सकते हैं। एक्स वन माइनस वाई वन को क्या लिख सकते हैं? वाई वन माइनस एक्स वन, और यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? वाई टू माइनस एक्स टू, तो वाई टू माइनस एक्स टू ये आ गया। अब ये क्या बता रहा है? जैसे ये एक्स वन पहले लिखा हुआ था, एक्स पहले लिखा हुआ था, तो एक्स यहाँ पर भी पहले था, यहाँ पर वाई पहले है, तो यहाँ पर भी वाई पहले हो जाएगा और एक्स बाद में आएगा, तो सिमेट्री तो आसानी से प्रूफ हो गया। अब हम लोग थर्ड देखते हैं, ट्राइंगल इनइक्वालिटी, सॉरी फोर्थ देखते हैं, ट्राइंगल इनइक्वालिटी। तो ट्राइंगल इनइक्वालिटी के लिए हम लोग डी ऑफ एक्स वाई लेते हैं। डी ऑफ एक्स वाई का मतलब क्या हुआ कि मैक्सिमम ऑफ मॉड एक्स वन माइनस वाई वन प्लस सॉरी एंड मॉड ऑफ एक्स टू माइनस वाई टू, इसी का मैक्सिमम वैल्यू है ये। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, मैक्सिमम रहने देते हैं, इस सेट में जरा ध्यान देना, यहाँ पर जेड वन सब्ट्रैक्ट करते हैं और जेड वन को ऐड भी कर देते हैं। ऐसा कर सकते हैं इस मॉडुलस में, जेड वन सब्ट्रैक्ट किए, जेड वन को ऐड कर दिए, यहाँ पर भी हम लोग एक्स टू माइनस जेड टू सब्ट्रैक्ट करते हैं और जेड टू को ऐड कर देते हैं, तो इससे जेड वन और माइनस जेड वन कैंसिल हो जाएगा, तो फिर यही आ जाएगा ना, तो ये तो दोनों इक्वल हो गया। अब जरा ध्यान देना, मैक्सिमम ऑफ क्या करते हैं, ये दोनों को एक ब्रैकेट में रखो, ये दोनों भी एक ब्रैकेट में, ये भी एक ब्रैकेट में, ये भी एक ब्रैकेट में। अब जरा समझोगे, यहाँ पर दोनों में अलग अलग मॉड लगा देते हैं, अलग अलग मॉड लगा देंगे तो क्या लेस देन हो आएगा? लेस देन और इक्वल टू, क्योंकि मॉड एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू होता है मॉड एक्स प्लस मॉड वाई, दोनों में से अलग अलग मॉडुलस लगाते हैं तो लेस देन इक्वल टू होता है। तो यहाँ पर भी अलग अलग मॉडुलस लगा रहे हैं, मॉड ऑफ एक्स वन माइनस जेड वन प्लस मॉड जेड वन माइनस वाई वन, ये दोनों में अलग अलग मॉड लगा दिए, लेस देन हो जाएगा।
या यहाँ पर भी हम लोग मॉड अलग अलग लगा देते हैं, x2 माइनस जेड टू प्लस जेड टू माइनस वाई टू, ये लेस देन इक्वल टू हो जाएगा। अब देखो इसका मैक्सिमम वैल्यू लेंगे, अब जरा ध्यान देना यहाँ पर, जरा एक चीज समझोगे, मैक्सिमम ऑफ 2 प्लस 5 और 3 प्लस 7 मान लो ऐसा लिखा हुआ है, इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ 2 3 प्लस मैक्सिमम ऑफ 5 7। ऐसा करते हैं जो फर्स्ट नंबर था 2 और 3 उसका मैक्सिमम निकाल लेते हैं और सेकेंड नंबर 5 7 का मैक्सिमम, और दोनों को ऐड कर देंगे, क्या इसके बराबर आएगा, इसका वैल्यू क्या आएगा। अगर इसकी बात करें तो इसमें से मैक्सिमम क्या है, ये आ रहा है 7 और ये आ रहा है 10, तो इसका वैल्यू तो 10 आ रहा है, ये 10 के बराबर है। अब देखो ये भी 10 के बराबर आएगा या नहीं आएगा, इसका मैक्सिमम क्या है 3 और इसका मैक्सिमम क्या है 7, कितना आ रहा है 10, पॉजिटिव है, तो दोनों पॉजिटिव है यहाँ पर, तो मैक्सिमम ऑफ 2 प्लस 5 और मैक्स 3 प्लस 7 इसका मैक्सिमम अगर निकालना है तो क्या करते हैं कि फर्स्ट का मैक्सिमम निकाल लेते हैं फिर सेकेंड का मैक्सिमम निकाल लेते हैं, दोनों को ऐड कर देते हैं, क्या इसी के बराबर आता है। तो यहाँ पर भी हम लोग ऐसा कर सकते हैं, तो देखो क्या कर रहे हैं, ये दो नंबर का सम है, यहाँ पर भी दो नंबर का सम है, इसका मैक्सिमम निकालना है, इसको ऐसा लिख सकते हैं कि मैक्सिमम ऑफ फर्स्ट वाला का मॉड एक्स वन माइनस जेड वन और मॉड एक्स टू माइनस जेड टू, इसका मैक्सिमम निकाल लेते हैं, फिर मैक्सिमम सेकेंड का निकालते हैं, सेकेंड क्या है जेड वन माइनस वाई वन प्लस जेड टू माइनस वाई टू। अब इसका मैक्सिमम को क्या लिख सकते हैं, डी ऑफ एक्स जेड लिख सकते हैं, क्या डिफिनेशन था इस तरीके से, एक्स वन माइनस वाई वन एक्स टू माइनस वाई टू का जो मैक्सिमम है उसको डी ऑफ एक्स वाई, तो यहाँ मैक्सिमम ऑफ एक्स वन माइनस जेड वन एक्स टू माइनस जेड टू है, तो इसको डी ऑफ एक्स जेड, और उसको क्या लिख सकते हैं जेड वन और वाई वन क्या है तो डी ऑफ जेड वाई, तो क्या लेस देन इक्वल टू आ गया, यहाँ लेस देन इक्वल टू है ना, तो डी ऑफ एक्स कॉमा वाई लेस देन इक्वल टू आ रहा है डी ऑफ एक्स जेड प्लस डी ऑफ जेड वाई, तो देयर फोर हम लोग लिख सकते हैं कि डी इज ए मैट्रिक, एक मैट्रिक हो गया किसमें, ऑन आर स्क्वायर, तो यही प्रूफ करना था हम लोग को, तो ये प्रूफ हो गया। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ पर, हाँ यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं एक्स वन माइनस जेड वन और एक्स टू माइनस जेड टू लिए हैं, और फिर प्लस तो यहाँ कर दिए जेड वन माइनस वाई वन, और यहाँ पर भी क्या होगा प्लस नहीं होगा बल्कि यहाँ पर क्या होगा कॉमा होगा, कॉमा जेड टू माइनस वाई टू, तो ये थोड़ा सा मिस्टेक था, चलो इसको नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं कि लेट एक्स बी ए मैट्रिक स्पेस विथ मैट्रिक डी, यहाँ एक्स कोई मैट्रिक स्पेस है जिसमें मैट्रिक कौन सा डिफाइंड किया गया है डी, और सो दैट डी वन डिफाइंड बाय, अब डी वन एक दूसरा हम लोग फंक्शन डिफाइंड कर रहे हैं सेट एक्स में ही, इस तरीके से कि डी वन ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू डी ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाय वन प्लस डी ऑफ एक्स वाई, इस तरीके से एक दूसरा फंक्शन डी वन डिफाइंड कर रहे हैं एक्स सेट में ही, तो दिखाना है कि ये जो डी वन होगा इज ऑल्सो ए मैट्रिक ऑन एक्स, ये भी एक मैट्रिक होगा। डी तो जैसे एक नॉन एम्प्टी सेट हम लोग ले रहे हैं, नॉन एम्प्टी सेट है एक्स, और इसमें एक मैट्रिक डिफाइंड किया गया है डी, डी जो है वो एक मैट्रिक है, किस में डिफाइंड किया गया है एक्स में। अब हम लोग डी वन एक दूसरा फंक्शन डिफाइंड कर रहे हैं, तो डी वन जो है वो भी एक फंक्शन हो जाएगा एक्स क्रॉस एक्स से आर में, और ऐसा डिफाइंड कर रहे हैं कि डी वन ऑफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू डी ऑफ एक्स कॉमा वाई डिवाइडेड बाय वन प्लस डी ऑफ एक्स कॉमा वाई, तो ये जो फंक्शन हम लोग डिफाइंड कर रहे हैं इस तरीके से दिखाना है कि ये भी एक मैट्रिक होगा। मान लो डी ऑफ एक्स कॉमा वाई का वैल्यू सपोज करो ये है मॉड एक्स माइनस वाई, सपोज कर लो कि डी ऑफ एक्स कॉमा वाई का वैल्यू क्या है मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई, तो डी टू थ्री का वैल्यू कितना हो जाएगा इस फॉर्मूला से, मॉड टू माइनस थ्री मीन्स क्या आ रहा है वन। अब डी वन का वैल्यू अगर इसी टू थ्री पर निकालेंगे तो डी वन का वैल्यू क्या होगा इस टू थ्री पर, ये जो डिफिनेशन है उसके अनुसार डी ऑफ टू थ्री डिवाइडेड बाय वन प्लस डी ऑफ टू थ्री, तो डी ऑफ टू थ्री का वैल्यू है वन, और यहाँ पर भी वन प्लस वन कितना आ जाएगा वन बाई टू, तो एक नया फंक्शन डिफाइंड हो गया।
डी का वैल्यू जो है वो 2.3 का 1 आ रहा है और डी वन का वैल्यू 2.3 का वैल्यू कितना आ रहा है 1/2 इस तरीके से। तो ये एक नया फंक्शन डिफाइंड कर रहे हैं, दिखाना है कि ये जो इस तरीके से फंक्शन डिफाइंड कर रहे हैं ये फंक्शन भी एक मैट्रिक होगा सेट एक्स में। किसी भी सेट में एक से अधिक मैट्रिक डिफाइंड किया जा सकता है, तो यहाँ पर ये दूसरा मैट्रिक हो जाएगा। अब कैसे प्रूफ करते हैं जरा इसके बारे में देखो, इसका प्रूफ में या इसका सॉल्यूशन में हम लोग सबसे पहले क्या लिखते हैं जरा ध्यान देना। सिंस डी इज ए मैट्रिक, डी तो एक मैट्रिक दिया हुआ है, मैट्रिक ऑन एक्स, एक्स में डिफाइंड किया हुआ है, तो इसीलिए चार कंडीशन तो सेटिस्फाई करेगा। तो देयर फॉर कौन सा कंडीशन, डी ऑफ एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। सेकेंड कंडीशन हो जाएगा डी ऑफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू जीरो, इक्वल टू जीरो बोथ साइड इम्प्लाइज एक्स इक्वल टू वाई। और थर्ड कंडीशन होगा जिसको हम लोग सिमेट्री कहते हैं, डी ऑफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू डी ऑफ वाई कॉमा एक्स। और फोर्थ कंडीशन जिसको ट्राइंगल इनइक्वालिटी कहते हैं, ये होगा डी ऑफ एक्स कॉमा वाई लेस देन इक्वल टू डी ऑफ एक्स कॉमा जेड प्लस डी ऑफ जेड कॉमा वाई फॉर ऑल एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू एक्स। यहाँ पर भी फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू एक्स, तो यह ध्यान देना यहाँ पर भी ये सब में भी फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स, यहाँ पर भी फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स, सभी में एक्स वाई जो है वो कैपिटल एक्स का मेंबर है। तो ये डी चूंकि मैट्रिक है एक्स में इसीलिए चार कंडीशन सेटिस्फाई होगा, इसके बारे में हम लोग लिख दिए। अब नाउ वी हैव, हम लोग को दिया हुआ है यहाँ पर एक न्यू फंक्शन डिफाइन किया गया है। नाउ वी हैव एक न्यू फंक्शन कैसे डिफाइन किया गया है, डी ऑफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू है डी ऑफ एक्स कॉमा वाई डिवाइडेड बाय 1 प्लस डी ऑफ एक्स कॉमा वाई। इस तरीके से यहाँ पर एक फंक्शन डिफाइन किया गया है, तो ये यहाँ पर लिख देते हैं नंबर 1। जरा ध्यान देना, ये जो डी वन लिखा हुआ है इस डी वन की जगह कभी कभी क्वेश्चन में रो भी लिखा हुआ मिल सकता है, मतलब इस तरीके से डिफाइन किया हुआ रहेगा, रो ऑफ एक्स वाई इक्वल टू डी ऑफ एक्स कॉमा वाई डिवाइडेड बाय 1 प्लस डी ऑफ एक्स कॉमा वाई। तो ये डी वन की जगह रो भी लिखा हुआ मिल सकता है, तो जरा देख लेना, ये कुछ अलग नहीं है, डी वन भी हो सकता है या रो भी हो सकता है। फिलहाल इस क्वेश्चन में हम लोग डी वन लेकर के चल रहे हैं, तो जरा ध्यान देना। एंड डी वन क्या है, डी वन जो है वो एक फंक्शन है एक्स क्रॉस एक्स से, किस में डिफाइन किया गया है, आर में। सबसे पहला अब यहाँ पर हम लोग को डी वन को दिखाना है मैट्रिक, तो यहाँ पर भी हम लोग को फोर कंडीशन दिखाना पड़ेगा कि सेटिस्फाई कर रहा है। तो फोर कंडीशन में से सबसे फर्स्ट कंडीशन देखते हैं। अब देखो क्या हम लोग प्रूफ करने के लिए क्या करते हैं कि वी हैव, हम लोग यहाँ पर सबसे पहले फर्स्ट में प्रूफ करेंगे, हम लोग दिखाएंगे कि d1 ऑफ x, y ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि d ऑफ x, y इक्वल टू जीरो, सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ये तो दिया हुआ है। क्यों दिया हुआ है, क्योंकि d इज ए मैट्रिक, d तो मैट्रिक है ना, मैट्रिक ऑन x, तो इसीलिए d ऑफ x, y ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा। अब जरा ध्यान देना, ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है इम्प्लाइज 1 प्लस डी ऑफ एक्स वाई, ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा। ये नॉन नेगेटिव है, नॉन नेगेटिव में 1 ऐड कर दे रहे हैं, क्या होगा, नॉन नेगेटिव में अगर 1 ऐड कर दें तो वो भी तो नॉन नेगेटिव ही होगा ना। एंड ये पॉजिटिव है ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, और ये इक्वल टू भी जीरो नहीं होगा, ये इक्वल टू जीरो होगा क्या, क्यों जीरो नहीं होगा, मान लो अगर ये जीरो है और जीरो में 1 ऐड भी करते हैं तो भी क्या आएगा, 1 ही आएगा, तो ये ग्रेटर देन ही जीरो होगा, ये कभी भी जीरो के इक्वल नहीं आएगा। तो डी ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाय 1 प्लस डी ऑफ एक्स वाई, ये नेगेटिव आ सकता है क्या, ये नेगेटिव नहीं है, ये नेगेटिव नहीं है, तो दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो ये भी नेगेटिव नहीं होगा, जीरो के बराबर आ सकता है, कब जीरो के बराबर आएगा, मान लो अगर ये जीरो है, ये अगर जीरो है तो जीरो डिवाइडेड बाय नॉन जीरो, जीरो आ जाएगा ये, ठीक है। और ये किसके बराबर था, यही ना डी वन ऑफ एक्स कॉमा वाई है, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रहा है। सेकेंड कंडीशन हम लोग देखते हैं, सिंस हम लोग डी ऑफ एक्स वाई को जीरो पुट कर देते हैं, डी ऑफ एक्स वाई को जीरो पुट करते हैं, तो बोथ साइड इंप्लाइज डी ऑफ एक्स वाई का क्या वैल्यू दिया हुआ है, सॉरी डी वन को पुट कर रहे हैं, डी वन को ना दिखाना है, तो डी वन ऑफ एक्स कॉमा वाई को जीरो पुट कर रहे हैं, तो डी वन का वैल्यू कैसे डिफाइंड किया गया है, डी ऑफ एक्स कॉमा वाई डिवाइडेड बाय 1 प्लस
डी ऑफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू जीरो, बोथ साइड इंप्लाइज ये उधर मल्टीप्लाई कर दो तो डी ऑफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा जीरो, और डी ऑफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू जीरो का मतलब क्या हुआ एक्स इक्वल टू वाई, क्यों, क्योंकि डी इज ए मैट्रिक, डी चूंकि एक मैट्रिक है ना तो मैट्रिक है एक्स में, और अगर डी ऑफ एक्स वाई जीरो है तो निश्चित रूप से एक्स इक्वल टू वाई हो गया, तो सेकेंड कंडीशन भी प्रूफ हो गया। अब थर्ड कंडीशन हम लोग देखते हैं, तो थर्ड कंडीशन में डी वन ऑफ एक्स कॉमा वाई का वैल्यू किसके बराबर है, डी ऑफ एक्स कॉमा वाई डिवाइडेड बाय वन प्लस डी ऑफ एक्स कॉमा वाई। अब ये डी ऑफ एक्स वाई को हम लोग डी ऑफ वाई एक्स भी लिख सकते हैं, क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि डी तो मैट्रिक है, तो मैट्रिक है तो सिमेट्री तो यहाँ पर सेटिस्फाई करेगा, तो डी ऑफ एक्स वाई को डी वाई एक्स भी लिख सकते हैं, और यहाँ पर भी हम लोग क्या लिख सकते हैं डी ऑफ वाई एक्स। अब ये देखो अगर एक्स पहले लिखा हुआ रहता तो यहाँ पर भी एक्स पहले है, अगर वाई पहले है तो यहाँ पर भी जो डी वन फंक्शन डिफाइंड करेंगे उसमें भी वाई क्या हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा, ये डी वन ऑफ वाई एक्स लिख सकते हैं, तो थर्ड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गया। अब हम लोग एक लास्ट कंडीशन देखेंगे, तो चलो पहले इसको लिख लो उसको भी हम लोग देखते हैं आगे। देखो फोर्थ कंडीशन हम लोग देखते हैं कि फोर्थ कंडीशन कैसे प्रूफ होगा, तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पर लेते हैं डी ऑफ एक्स जेड प्लस डी ऑफ जेड वाई ये लेकर के चलते हैं, तो डी ऑफ डी वन लेना है, डी वन फंक्शन में है तो डी वन ऑफ एक्स जेड प्लस डी वन ऑफ जेड वाई, डी वन ऑफ एक्स जेड का कैसे डिफाइंड किया गया है डी ऑफ एक्स जेड डिवाइडेड बाय वन प्लस डी ऑफ एक्स जेड, इसी तरीके से डी वन ऑफ वाई जेड क्या होगा डी ऑफ वाई जेड सॉरी जेड वाई है डी ऑफ जेड वाई डिवाइडेड बाय वन प्लस डी ऑफ जेड वाई। अब जरा ध्यान देना समझोगे, मान लो ये टू बाई फाइव है, सपोज करो टू बाई फाइव और टू बाई सिक्स में से स्मॉलर कौन सा होगा, टू बाई फाइव स्मॉलर होगा या टू बाई सिक्स स्मॉलर होगा, टू बाई सिक्स स्मॉलर होगा। अगर हम लोग डिनोमिनेटर को बढ़ा देते हैं तो पूरा वैल्यू जो है वो स्मॉलर हो जाता है, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर को हम लोग बढ़ा रहे हैं, डिनोमिनेटर कैसे बढ़ा रहे हैं जरा समझोगे, डी ऑफ एक्स कॉमा जेड रहने देते हैं और यहाँ पर वन प्लस डी ऑफ एक्स जेड है, इसमें हम लोग ऐड कर देते हैं पॉजिटिव नंबर डी ऑफ जेड वाई, पॉजिटिव या जीरो भी हो सकता है ये, या समझोगे क्या कि यह डिनोमिनेटर इंक्रीज हो रहा है या नहीं हो रहा है, यहाँ पर कोई पॉजिटिव नंबर अगर ऐड करते हैं तो डिनोमिनेटर इंक्रीज कर जाएगा ना, तो ये पॉजिटिव होगा या फिर क्या हो सकता है ये जीरो हो सकता है, क्योंकि डी का वैल्यू जो है वो या तो पॉजिटिव है या फिर जीरो है, तो निश्चित रूप से ये जो वैल्यू है वो बड़ा हो जाएगा इससे या फिर इक्वल ही होगा, कब इक्वल होगा जब इसका वैल्यू जीरो हो जाए, अगर ये जीरो हो जाएगा तब तो फिर यही रह जाएगा, और अगर ये पॉजिटिव होगा तब फिर क्या हो जाएगा ये स्मॉलर हो जाएगा, क्यों स्मॉलर होगा क्योंकि डिनोमिनेटर को हम लोग इंक्रीज कर दे रहे हैं, यहाँ पर भी वही काम करते हैं डी ऑफ जेड कॉमा वाई रहने देते हैं और यहाँ पर वन प्लस डी ऑफ एक्स जेड अपने से ऐड कर देते हैं प्लस डी ऑफ जेड वाई, यहाँ पर भी क्या हुआ डिनोमिनेटर को हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं, या इंक्रीज होगा या फिर इक्वल ही रह जाएगा, क्यों इक्वल होगा अगर इसका वैल्यू जीरो हो जाए तब तो दोनों इक्वल हो जाएगा यहाँ पर और ये, लेकिन अगर ये पॉजिटिव होगा तो डिनोमिनेटर इंक्रीज कर जाएगा, डिनोमिनेटर इंक्रीज करेगा तो पूरा वैल्यू क्या होगा स्मॉलर हो जाएगा इससे, तो यहाँ पर ये जो है वो ग्रेटर देन होगा और इक्वल टू होगा इसके बराबर, इक्वल टू कब होगा जब ये भी जीरो आ जाए सॉरी ये वाला और ये वाला भी जीरो आ जाए तो उस समय इक्वल ही होगा, कोई दिक्कत किसी को। आगे बढ़ते हैं, अब देखो ये दोनों से एलसीएम हम लोग ले लेते हैं, तो वन प्लस डी ऑफ एक्स जेड प्लस डी ऑफ जेड वाई दोनों में है एलसीएम ले लिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा डी ऑफ एक्स जेड प्लस डी ऑफ जेड वाई। अब इससे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में डिवाइड कर दो, हम लोग इससे ऊपर भी डिवाइड कर देते हैं सेम चीज़ से, तो ऊपर डिवाइड कर देंगे वन हो जाएगा और नीचे भी डिवाइड करते हैं तो वन डिवाइडेड बाय डी एक्स कॉमा जेड प्लस डी ऑफ जेड कॉमा वाई, और यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो क्या होगा ये पूरा कैंसिल हो जाएगा वन, देख रहे हो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में हम लोग इससे डिवाइड कर रहे हैं तो इससे पूरे में डिवाइड करेंगे तो वन हो जाएगा, यहाँ पर वन में डिवाइड किए तो वन डिवाइडेड बाय दिस, और इसमें डिवाइड करते हैं सेम चीज़ है यहाँ पर इससे डिवाइड करते हैं तो ये क्या हो जाएगा वन। अब जरा ध्यान देना, जरा समझोगे कि डी ऑफ एक्स वाई प्लस सॉरी
एक्स जेड लिख रहे हैं, डी ऑफ एक्स जेड प्लस डी ऑफ जेड वाई क्या है, ये लेस ग्रेटर देन इक्वल टू डी ऑफ एक्स वाई है, क्योंकि डी तो मैट्रिक है ना, तो मैट्रिक है, तो ये जो ट्राइंगल इनइक्वालिटीज है दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू दिस, इसका रिवर्स अगर कर देते हैं, वन डिवाइडेड बाई डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई अगर कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, रिवर्स करने के बाद रेसिप्रोकल करने पर ये इनइक्वालिटी का साइन चेंज होता है, लेस देन इक्वल टू हो जाएगा वन डिवाइडेड बाई डी ऑफ एक्स कॉमा वाई, इधर वन ऐड कर देते हैं तो वन डिवाइडेड बाय डी ऑफ एक्स जेड प्लस डी ऑफ जेड वाई, यहाँ पर हम लोग वन ऐड कर रहे हैं, लेस देन इक्वल टू यहाँ पर भी हम लोग वन ऐड कर देते हैं, यहाँ पर भी वन ऐड कर रहे हैं, अब फिर इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे वन डिवाइडेड बाय डी ऑफ एक्स जेड प्लस डी ऑफ जेड कॉमा वाई प्लस वन, ये इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू, इसका रेसिप्रोकल करेंगे वन डिवाइडेड बाय डी ऑफ एक्स कॉमा वाई प्लस वन, तो इसको अब देखो यही चीज़ नहीं यहाँ पर, तो ये क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं कि दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू कितना से, वन डिवाइडेड बाय डी ऑफ एक्स वाई प्लस वन, अब यहाँ पर एलसीएम लेकर के हम लोग ऐड कर लेते हैं, तो नीचे आ जाएगा डी ऑफ एक्स वाई एलसीएम आ गया, और यहाँ हो जाएगा वन प्लस डी ऑफ एक्स कॉमा वाई, ये ऊपर चला जाएगा इक्वल टू डी ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाय वन प्लस डी ऑफ एक्स वाई, और इसको क्या लिख सकते हैं, यही था डी वन ऑफ एक्स कॉमा वाई, तो देखो ये जो वैल्यू आ रहा है ग्रेटर देन यहाँ पर भी था, ग्रेटर देन यहाँ पर भी था, तो हम लोग कह सकते हैं कि डी वन ऑफ एक्स कॉमा जेड प्लस डी ऑफ जेड कॉमा वाई ग्रेटर देन इक्वल टू आ गया डी वन ऑफ एक्स कॉमा वाई, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, तो क्या आ रहा है, हम लोग देख रहे हैं कि डी वन ऑफ एक्स कॉमा जेड ये ग्रेटर देन है, यानी कि डी वन ऑफ एक्स कॉमा वाई स्मॉलर हो जाएगा, किससे स्मॉलर हो जाएगा, डी वन ऑफ एक्स कॉमा जेड प्लस डी वन ऑफ जेड कॉमा वाई, तो देयर फोर डी वन इज ए मैट्रिक, डी वन जो है वो एक मैट्रिक हो गया किसमें, ऑन आर स्क्वायर, तो इस तरीके से ये डी वन जो है वो एक मैट्रिक प्रूफ हो गया, कोई दिक्कत किसी को, तो फ्रेंड्स इस वीडियो में बस यहीं तक, मैं नेक्स्ट वीडियो में सुडो मैट्रिक स्पेस के बारे में बताऊंगा, उसका कुछ एग्जांपल बताऊंगा, यदि ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट करके अपना फीडबैक अवश्य दीजिएगा, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।